वर्तमान सृष्टि में अनेक धर्म, अनेक आस्थाएं, अनेक मत चल रहे हैं, परंतु सनातन हिंदू धर्म सबसे पुरातन है, जिसके अनुसार संपूर्ण सृष्टि एक ब्रह्मांड में समाहित है, जो तीन शक्तियों द्वारा संचालित है। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं, विष्णु पालन करता है व शिव संहार करता है, परंतु मात्र एक नहीं वरन ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, और प्रत्येक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु और एक शिव हैं। सभी ब्रह्मांडों के परिमाण अलग अलग हैं। ब्रह्मांडों के परिमाण के अनुसार ब्रह्मा के मुख होते हैं। वर्तमान में हम जिस ब्रह्मांड में हैं, वो चतुर्मुखी ब्रह्मा का ब्रह्मांड है। इन अनंत ब्रह्मांडों के अध्यक्ष को महाविष्णु कहते हैं, और उनके भी जो अध्यक्ष हैं वो हैं आनंद कंद, सच्चिदानंद, परब्रह्म श्री कृष्ण। यही श्री कृष्ण लगभग 5000 वर्ष पूर्व चतुर्मुखी ब्रह्मा के ब्रह्मांड में अवतरित हुए थे। भारत वर्ष के उत्तर प्रदेश प्रांत में स्थित ब्रज भूमि जो साक्षी है, भगवान श्री कृष्ण की अनेकानेक लीलाओं की, जहां पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने अवतार लेकर अनेक रसमयी लीलाएं की और सबके मन को मोहित कर जन जन के मन में बस गए। ऐसे ब्रजधाम का भी मुकुट है श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम, वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम, वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम, मन श्री वृंदावन धाम, जहाँ बिहरत नित श्यामा श्याम। चलो मन श्री वृंदावन धाम, जहाँ बिहरत नित श्यामा श्याम। भगवान इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हो अनेकों लीलाएं करते तो हैं, पर साधारण मनुष्य उन लीलाओं को समझ नहीं पाते। जीवों को भगवान की लीलाओं और उन लीलाओं के गर्भ में छिपी अनंतानंत कृपाओं को समझाने का कार्य केवल महापुरुष ही कर सकते हैं। इसी से समय समय पर संत जन अवतार ग्रहण करते हैं। कहते हैं कि ये पृथ्वी संत महापुरुषों से कभी रिक्त नहीं होती। पृथ्वी को अपनी चरण रज से पवित्र करने वाले, अपने दिव्य प्रेम से अभिसिंचित करने वाले ऐसी ही दिव्य विभूति हैं विश्व के पंचम मूल जगतगुरु स्वामी श्री कृपालु जी महाराज। वंदे जगद्गुरु, कृपालु वंदे जगद्गुरु, कृपालु
उन्होंने अपने अवतार काल में भगवदीय प्रेम का वो सागर उड़ेल दिया जिसमें डूबने पर जीव संसार सागर से उबर कर सदा सदा के लिए उस प्रेम रस का भ्रमर बन जाता है। वैसे तो उन्होंने अपने प्रवचनों, स्वरचित संकीर्तनों, पदों व दोहों के माध्यम से दिव्य प्रेम के ऐसे स्रोत की रचना की है जिससे निकलने वाली प्रेम रस की धारा युग युगांतर तक जीवों के मलिन हृदय को पावन करती रहेगी। भगवान के दिव्य प्रेम को प्राप्त करना जीवात्मा का एकमात्र लक्ष्य है और जिस मार्ग से उस लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है वो केवल प्रेम मार्ग है। प्रेम ही एकमात्र ऐसा बंधन है जो सर्वशक्तिमान भगवान को भक्त के हृदय में सदा सदा के लिए बंदी बना देता है। प्रेम की इसी महानता का प्रतीक है प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर प्रेमाधीन ब्रह्म श्याम वेद ने बताया याते आय नाम प्रेम मंदिर धरा इस सर्वांग सुंदर भव्य मंदिर का शिलान्यास जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के कर कमलों द्वारा जगत गुरु दिवस पर दिनांक 14 जनवरी 2001 को संपन्न हुआ। वृंदावन में इसी स्थल पर प्रेम मंदिर बनने जा रहा है। संपूर्ण जगत में यह ऐसा मंदिर बनेगा कि वृंदावन का गौरव इतना बढ़ेगा कि जो भी वृंदावन आएगा उसे इस मंदिर में आना पड़ेगा। भारत की राजधानी दिल्ली से 125 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश में स्थित मथुरा जिले से 15 किलोमीटर की दूरी वृंदावन में स्थित है प्रेम मंदिर। दिल्ली मथुरा हाईवे के अंतर्गत पड़ने वाले छटिकरा नाम स्थान से वृंदावन की ओर 6 किलोमीटर अंदर प्रवेश करने पर बाई ओर स्थित है प्रेम मंदिर।
मंदिर की विशाल परिसर में उद्यान, फव्वारों के अतिरिक्त श्री राधा कृष्ण की मनोहर झांकियां भी सुसज्जित हैं, यथा श्री गोवर्धन धारण लीला, कालिया नागमर्दन लीला, झूलन लीला आदि। उत्तर प्रदेश व राजस्थान के सैकड़ों शिल्पकारों एवं वास्तुकारों की सालों की कटाई, छटाई, नक्काशी व घिसाई के कार्यों एवं उनके अथक प्रयासों से निर्मित हुआ यह प्रेम मंदिर वास्तुकला, सुंदरता एवं भव्यता का उदाहरण है। प्रेम मंदिर के निर्माण में 30,000 टन आयातित इटालियन करारा मार्बल का प्रयोग किया गया है। यही विश्व का ऐसा मंदिर है जिसके निर्माण में ठोस इटालियन मार्बल का प्रयोग किया गया है। इस प्रेम मंदिर का उद्घाटन समारोह दिनांक 15, 16 एवं 17 फरवरी 2012 को संपूर्ण विधि विधान से संपन्न हुआ। उद्घाटन कार्यक्रम में यज्ञ एवं हवन के समय हुई वेद मंत्रों की पवित्र एवं सुमधुर ध्वनि से समस्त दिशाएं गुंजायमान हो उठी। भारत वर्ष की पवित्र नदियों से लाए गए जल भरे कलशों से श्री महाराज जी ने साधकों के साथ कलश यात्रा की। एवं उस जल से मंदिर का प्रक्षालन किया। सोलह फरवरी को युगल सरकार के द्वय विग्रहों की शोभा यात्रा निकाली गई। 17 फरवरी 2012 श्री महाराज जी ने आकाश में गुब्बारों को उड़ाकर विश्व को दिव्य प्रेम का संदेश दिया।
तत्पश्चात दीप प्रज्वलन किया एवं मंदिर में प्रवेश कर मंदिर में उपस्थित समस्त भक्त समुदाय के साथ श्री महाराज जी ने अपने कर कमलों द्वारा श्री राधा कृष्ण एवं श्री सीताराम के श्री विग्रहों की भव्य आरती की। आइए अब प्रारंभ करते हैं इस भव्य प्रेम मंदिर की दर्शन यात्रा। मंदिर परिसर पर दूर से ही प्रथम दृष्टि पड़ते ही लहराती हुई ध्वजा सहित 125 फुट ऊंचे शिखर के दर्शन एक नक्काशीदार उज्ज्वल दिव्य कैलाश पर्वत की श्रृंखला का आभास देते हैं। दर्शनार्थियों को अपनी अपनी भावनानुसार प्रेम मंदिर के विलक्षण दर्शनों की अनुभूति होती है। प्रभात काल के समय नीले आकाश के तले विद्यमान गौर वर्ण के प्रेम मंदिर को देखकर प्रतीत होता है मानो नीलांबर पहने गौरवर्णी श्री राधा अपना दिव्य दर्शन प्रदान कर रही हों। वहीं रात्रि के समय अद्भुत रोशनी से जगमगाते हुए प्रेम मंदिर को देखकर दर्शनार्थियों को यह आभास होता है कि मानो वे भगवान के दिव्य लोक में खड़े हों। प्राचीन नागार्जुन शैली पर आधारित ये मंदिर के खंभे, छत, तोरण आदि पर की गई पच्चीकारी प्राचीन भारतीय कलाकृति और शैली को दर्शाता है। करारा सफेद मार्बल पर नक्काशी देखते ही बनती है। प्रेम मंदिर में आए हुए दर्शनार्थी प्रेम मंदिर के प्रति अनेक प्रकार के भाव अभिव्यक्त करते हैं। भारत का सबसे एक अजूबा है, बहुत इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे मैं फर्स्ट टाइम देख के गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ का अरेंजमेंट, यहाँ की सफाई, यहाँ का वातावरण बिल्कुल शांत है, इसलिए अब मैं सेकेंड टाइम अपने बच्चों को लेके आया। अगर आदमी आध्यात्मिक शांति के लिए चाहता है, कहीं एक जगह बैठ के शांति से उसको बैठ जाएगा तो उसे अनुभव होगा कि मैं बैकुंठ की तरफ जा रहा हूँ। बहुत सी चीज़ें होती है जो हमारे लिए एकदम न्यू होती है कि ऐसा भी हुआ था। कुछ कुछ चीज़ें जो फेमस है, गोवर्धन पर्वत उठाया था, कालियाना मारा था, बस उतना ही पता होता है। यहाँ पे आप आओगे तो आपको और भी चीज़ें जानने को मिलती है, आप उनके बारे में थोड़ा सा उनसे क्लोज हो सकते हैं। मैं यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मथुरा में पोस्टेड हूँ। इसमें जो रोड का ट्रांसमिशन किया है और उसका जो आर्किटेक्चर बनाया है वो वाकई बहुत अच्छा है। आज की डेट में भी हमारे पास इतने अच्छे कारीगर अवेलेबल है, ये जान करके मुझे बड़ी खुशी हुई है। मंदिर देखने के लिए मेरी बच्ची ने मेरे को बोला था, वो अगले साल आके गई थी तो उसने बोला था कि आप जरूर ये प्रेम मंदिर देख के आना। एक एक झांकी ऐसा लग रहा है जैसे इतने प्यार से बनाई हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम किसी नई दुनिया में आ गए हो। बहुत ही सुंदर, मेरे को लगता है हर किसी को यहाँ आके जन्माष्टमी देखना चाहिए। आगरा से आए हम आशु गोयल। हमें कलाकृतियों के तौर पे स्टैचू जो फंक्शनिंग मॉडल्स हैं उनके तौर पे हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। साथ साथ हमें ऐसा लग रहा है कि हम एकदम भगवान के घर आ गए हैं। बहुत ही अच्छा फीलिंग हो रहा है यहाँ पे। मैं हरियाणा के पानीपत जिले से आया हूँ और इस प्रेम मंदिर में तीसरी बार आ चुका हूँ, लेकिन नाइट का जो नज़ारा होता है ये मैंने पहली बार देखा है। उसको देख के दिल ऐसा करता है कि यहीं पे बस जाऊँ बस, और जाने को बिल्कुल मन नहीं करता है।
भगवान का वास्तविक रूप यहाँ पे अर्पित कर रखा है कि ताकि लोग उनकी ओर आकर्षित होकर यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पे क्लीनिंग है जो कुछ चढ़ावा नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है, और जो नीटनेस है, जो श्रृंगार है राधा रानी का, और जो ये सारा बनाया हुआ है फाउंटेन आर्ट बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसे लगा रोऊं और नाचूं, ऐसा मतलब एक सुरक्षा चक्र है यहाँ पे भक्ति का, कि देख के और सबका पाव और भक्तों का और सेवा देख के तुम सब भक्तों में मूर्तियों को देख के ऐसा लगता है जीवंत है। यद्यपि भारत वर्ष में प्राचीन काल से आज तक अनेक मंदिरों का निर्माण हो चुका है, तथापि प्रेम मंदिर अपने आप में विशेष है। प्रेम मंदिर विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसकी दीवारों पर संपूर्ण श्रीमद् भागवत में वर्णित श्री कृष्ण की लीलाओं का क्रमबद्ध चित्रण किया गया है। मंदिर के भूमि तल की बाह्य दीवारों पर भगवान की माधुर्य युक्त ब्रज की लीलाओं का अत्यधिक मनोहारी चित्रण है। वहीं प्रथम तल की बाह्य दीवारों पर मथुरा एवं द्वारिका की लीलाएं क्रमबद्ध रूप से चित्रित हैं। जगद्गुरु श्री कृपालु जी महाराज के सिद्धांतानुसार समस्त शास्त्रों वेदों का सार एकमात्र प्रेम है, और उस दिव्य प्रेम की सार स्वरूपा है भगवती श्री राधिका। प्रेम तत्व की प्रधानता प्रेम मंदिर में चित्रित उन झांकियों में दृष्टिगोचर होने लगती है जहां पूर्णतम पुरुषोत्तम स्वयं भगवान श्री कृष्ण श्री राधा के चरणों में अपना मुकुट रख रहे हैं और उनकी चरण सेवा कर रहे हैं। मंदिर के मुख्य द्वार से ही भगवत प्रेम के प्रतीक इस अनुपमेय मंदिर की पवित्रता और भव्यता के दर्शन होते हैं। मंदिर के अनेकानेक द्वार मानो रसिक संतों की इस वाणी की घोषणा कर रहे हैं कि भगवान तो अपनी भुजाओं को फैलाए हुए अपनी वात्सल्यमयी दृष्टि से सदैव प्रत्येक जीव की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि न जाने कब कौन जीव मेरे शरणागत हो जाए और न जाने किस द्वार से आ जाए। गर्भगृह के शुद्ध चंदन के नक्काशीदार पट खुलते ही युगल किशोर अर्थात श्री कृष्ण और वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी के मनोहारी दर्शन होते हैं। मंदिर के भूमि तल पर विश्व के पंचम मूल जगद्गुरु स्वामी श्री कृपालु जी महाराज एवं श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रवक्ता श्री सुखदेव जी परमहंस भी विराजमान हैं। मंडप की गुंबदाकार छत में अनेक परतों की नक्काशी का सौंदर्य अप्रतिम है।
मंदिर की भीतरी दीवारों पर दोनों ओर चार पैनलों पर श्री महाराज जी के प्रवचन एवं संकीर्तन दृश्य प्रदर्शित किए गए हैं। श्री महाराज जी द्वारा प्रेम रस सिद्धांत, प्रेम रस मदिरा, राधा गोविंद गीत जैसे अनेकानेक अनुपमेय दुर्लभ साहित्य का सृजन किया गया। उनके द्वारा रचित पद, रसिया व दोहे आदि को मंदिर की दीवारों पर पत्थरों की पच्चीकारी द्वारा अंकित किया गया है। मंदिर की संपूर्ण छत को विभिन्न प्रकार की नक्काशी द्वारा अद्भुत सौंदर्य प्रदान किया गया है। प्रथम तल के गर्भगृह में श्री सीताराम जी का सौंदर्य मन को मोहित कर लेता है। श्री रामचंद्र कृपालु भजु प्रथम तल पर मंडप के उत्तर दिशा में चारों जगद्गुरु एवं ब्रजरस रसिक विद्यमान हैं। इसी प्रकार दक्षिण दिशा में गौरांग महाप्रभु की लीलाओं का सुंदर चित्रण किया गया है। प्रेम मंदिर की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रेम मंदिर का उद्घाटन हुए कुछ ही वर्ष व्यतीत हुए हैं, लेकिन संपूर्ण विश्व के कोने कोने में प्रेम मंदिर का प्रचार प्रसार हो गया है। दिनों दिन दर्शनार्थियों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। जन्माष्टमी आदि विशेष उत्सवों पर श्रद्धालुओं की उमड़ती भीड़ का दृश्य अपने आप में निराला ही होता है। काशी विद्वत परिषद द्वारा सन 1957 में श्री महाराज जी को जगत गुरुत्तम की मूलभूत उपाधि से सम्मानित किया गया। उस समय श्री महाराज जी की अवस्था मात्र 35 वर्ष की थी। काशी विद्वत परिषद 500 शीर्षस्थ शास्त्रज्ञ विद्वानों की तत्कालीन सभा थी। उसी समय विद्वानों की उस सभा ने श्री महाराज जी को अनेकानेक उपाधियों द्वारा अलंकृत किया। जगत गुरु पद पर विभूषित होने के उपरांत श्री महाराज जी ने जीव कल्याणार्थ स्वयं को पूर्ण रूपेण समर्पित कर दिया। समस्त विश्व के मनुष्यों के आध्यात्मिक कल्याण हेतु अपने प्रवचनों, संकीर्तनों एवं साहित्यादि के द्वारा शास्त्रों, वेदों के कठिन ज्ञान को अत्यंत सरल रूप में प्रकट किया।
जीव ब्रह्म माया तीन तत्व अनाद्यनंत सनातन है, किंतु जीव अनादिकाल से मायाबद्ध होने के कारण अनंत दुखों से युक्त होकर 84 लाख में घुमाया जा रहा है। वह जीव आनंद चाहता है और आनंद की परिभाषा भी बताई गई, आनंद अनंत मात्रा का होता है, अनंत काल के लिए होता है, ऐसा अनिर्वचनीय अपरिमेय अपौरुषेय दिव्यानंद भगवान की प्राप्ति से ही प्राप्त हो सकता है। भगवान के विषय में बहुत लंबी चौड़ी विस्तृत मीमांसा की गई कि यद्यपि भगवान हमारी इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, किंतु वह जिस पर कृपा कर देता है वह उन भगवान को पा लेता है और सदा के लिए मालामाल हो जाता है। यह भी बताया गया कि उनकी कृपा से ही उनको जाना जा सकता है, किंतु उनकी कृपा की कुछ शर्तें हैं, कुछ आधार है, वो शर्त पूरा करने वाले पर ही कृपा होती है। उस पर भी विचार किया गया कि शास्त्रों वेदों में तीन मार्ग बताए गए हैं, कर्म ज्ञान भक्ति। एक एक मार्ग पर विचार करते हुए आपको बताया गया कि कर्म धर्म के नियम अत्यंत कठिन हैं और यदि कोई कर भी ले तो उसका फल स्वर्ग है, स्वर्ग माया के अंतर्गत है, वहां भी काम क्रोध लोभ मोह का आधिपत्य है और वह भी कुछ दिन के लिए मिलता है। साथ ही मानव मात्र के हृदय में भगवदीय प्रेम का अंकुर प्रकट करने हेतु संसार को तीन भव्य मंदिर एवं तीन विशाल साधना भवन के रूप में अनुपमेय स्मारक प्रदान किए। श्री गुरुदेव द्वारा वृंदावन स्थित प्रेम मंदिर के अतिरिक्त दो अन्य मंदिरों की स्थापना भी की गई है। प्रतापगढ़ स्थित भक्तिधाम मनगढ़ में भक्ति मंदिर एवं मथुरा जनपद के बरसाना क्षेत्र में कीर्ति मंदिर, जिसका नाम भगवती श्री राधा की माता कीर्ति के नाम पर रखा गया है। भक्ति भवन, प्रेम भवन एवं रंगीली महल, जो क्रमशः मनगढ़, वृंदावन व बरसाने में स्थित है, जहां विशाल जन समुदाय साधना भक्ति कर अपना आध्यात्मिक कल्याण करते हैं। श्री गुरुदेव द्वारा संसार के भौतिक कल्याण हेतु जगत गुरु कृपालु परिषद की स्थापना की, जिसका सुचारू रूप से संचालन उनकी ही अनुभवी एवं कर्मठ सुपुत्रियों के द्वारा किया जा रहा है।
जगतगुरु कृपालु चिकित्सालय के नाम से मनगढ़, बरसाना व वृंदावन में 3 निशुल्क चिकित्सालय संचालित हैं। जहां जरूरतमंद व अभावग्रस्त लोगों का परीक्षण, उपचार व औषधि आदि सभी कुछ निशुल्क है। प्रतापगढ़ की कुंडा तहसील में 3 शिक्षण संस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हैं। कृपालु महिला महाविद्यालय, कृपालु बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज एवं कृपालु बालिका प्राइमरी स्कूल, जहां बालिकाओं को प्राथमिक स्तर से पोस्ट ग्रेजुएशन तक निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। श्री महाराज जी के सिद्धांतों व जनसेवा की शिक्षा का अनुसरण करते हुए वर्ष में अनेक बार साधु संत वैष्णव सेवा, निराश्रित महिला सेवा का आयोजन किया जाता है। विशाल स्तर का होता है, हजारों आदमी, मेरे को लगता है करीब 10,000 आदमी तो पाता ही होगा एक उसमें। और यहाँ के बाद में फिर माताओं का भी होता है, क्या संपूर्ण भोजन रहता है और शास्त्र और महंतों की और भक्तों की संतों की बहुत सेवा रहती है। समय समय पर समाज के असहाय वर्ग को अनेक प्रकार की उपयोगी वस्तुएं दान स्वरूप भेंट की जाती हैं। ऐसे संपूर्ण जगत के हितैषी दीन दुखी के आश्रय एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व, पंचम मूल जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज द्वारा स्थापित यह प्रेम मंदिर भारत की सांस्कृतिक विरासत का अद्वितीय चरण है, जो युग युगांतर तक भगवान और उनकी अनंत दिव्य प्रेम लीलाओं का गुणगान करता रहेगा।